बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। कैबिनेट में वजीर आजम कैसे वजरा से काम करवाते हैं। दिस इज रूल्स ऑफ बिजनेस 1973। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने रूल्स ऑफ बिजनेस पार्ट वन अपलोड किया था एंड वी वांटेड टू सी कि इसके अंदर आपका क्या रिस्पांस आता है। अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम सो ग्लैड टू शेयर that we received an excellent response on this first lecture of Rules of Business 1973, and many students required us to make the lecture on the remaining parts of the Rules of the Business. बहुत सारे students ने कहा कि जी हमारा test upcoming week के अंदर है तो kindly इसके ऊपर lecture बनाया जाए। So here we are with the next part of the lecture, और इसमें हम जो है वो cabinet procedure and legislation discuss करेंगे। So let's start with our lecture. सो एक दफ़ा गो थ्रू करते हैं कि हमारे पास कौन कौन से पार्ट्स थे। पार्ट ए जनरल, इसमें हमने टाइटल, डेफिनेशन, एलोकेशन ऑफ बिजनेस, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डिवीजन ये डिस्कस किया। पार्ट बी कंसल्टेशन अमंग डिवीजन्स था। पार्ट सी रेफरेंसेस टू द प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट। और आज के इस लेक्चर में जो हम दो पार्ट्स डिस्कस करेंगे जो कि बड़े मेजर और इम्पॉर्टेंट पार्ट्स हैं, वो हैं कैबिनेट प्रोसीजर। इसमें हम ये देखेंगे कि कौन से केसेस जो हैं वो कैबिनेट के अंदर लेके आने हैं, उन केसेस को डिस्पोज ऑफ किस तरह से करना है, कैबिनेट की मीटिंग्स किस तरह होंगी, नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल की मीटिंग्स किस तरह होंगी, नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल की कमेटीज़ की मीटिंग किस तरह से होंगी, एक्शन ऑन द डिसीजन ऑफ कैबिनेट क्या होगा, ठीक है, एक्शन ऑन द डिसीजन ऑफ नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल कैसे होगा, पीरियडिकल रिपोर्ट्स और एनुअल रिपोर्ट्स कौन कौन सी देनी होंगी। ई पार्ट है लेजिस्लेशन, ऑफिशियल नॉन ऑफिशियल बिल्स किस तरह से प्रेजेंट होंगे, अमेंडमेंट्स टू बिल आ जाएं तो वो किस तरह से होंगी, और ऑर्डिनेंसेस का प्रोसीजर क्या होगा। तो लेट्स स्टार्ट विद द डी पार्ट। इसके बाद जो हमारे पास एफ, जी और एच, आई तक हैं वो देख लेते हैं। एफ है रिलेशंस विद मजलिस शूरा, जी इज रिलेशंस विद द प्रोविंसेस, एच इज एमरजेंसी प्रोविजंस एंड आई इज मिसलिनियस प्रोविजंस। ये चारों जो हैं ये शॉर्ट से हैं, ऑलमोस्ट 1 to 2 पेजेस। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम इंशाल्लाह इन चार पार्ट्स को कवर करेंगे। आज का जो कैबिनेट प्रोसीजर है वो बड़ा मेजर हमारा है पार्ट, तो उसके ऊपर हम देखते हैं कि किस तरह से वर्किंग होती है। सो लेट्स स्टार्ट विद द पार्ट डी कैबिनेट प्रोसीजर। Cases to be brought before the cabinet. The following cases shall be brought before the cabinet. अगर आप अपने आप से question पूछें कि कौन से cases जो हैं वो cabinet के अंदर आते होंगे, तो आपको यकीनन ये जवाब मिलेगा कि जी जो most important जो cases हैं different nature के वो आते होंगे। तो यहीं पे हमने 10-12 चीज़ों की जो cases की list है वो देखनी है कि cabinet में आखिर कौन कौन से cases जो है वो लाए जाते हैं। ये बात याद रखिएगा कि कैबिनेट में केसेस जो हैं वो डिवीजन्स या मिनिस्ट्रीज़ जो हैं वो लेके आती हैं, और मिनिस्टर जो है वो चूँकि वो रिप्रेजेंटेटिव होता है कैबिनेट का, तो वो वहाँ पे पुटअप करता है। तो सबसे पहले देखेंगे केसेस, फिर दूसरा देखेंगे कि कैबिनेट में केस सबमिट कराने का प्रोसीजर क्या है, उसको डिस्पोज ऑफ करना है तो वो डिस्पोजल उसका किस तरह से होगा, फिर उसके बाद जो है वो डिफरेंट मैटर्स जो केसेस से रिलेटेड हैं कि परमिशंस कौन देगा, टाइम पीरियड क्या होगा, केसेस का फॉर्मेट क्या होगा, वो डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, प्रपोजल्स फॉर लेजिस्लेशन ऑफिशियल और नॉन ऑफिशियल इंक्लूडिंग मनी बिल्स, यानी कि सरकारी या प्राइवेट जो कवानीन हैं उनके लिए जो तजावीज़ होंगी वो कैबिनेट में आएंगी। प्रोमलगेशन एंड रेवोकेशन ऑफ ऑर्डिनेंसेस, जिन ऑर्डिनेंसेस को जारी करवाना हो या मनसूख करवाना हो तो वो देखे जाएंगे। थर्ड इज़ द बजटरी पोजिशन एंड प्रपोजल्स बिफोर द प्रेजेंटेशन ऑफ एनुअल बजट स्टेटमेंट। एनुअल बजट स्टेटमेंट होती है जी सप्लीमेंट्री बजट स्टेटमेंट या एक्सेस बजट स्टेटमेंट। आर्टिकल 80 एंड 84 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान ये रिक्वायर करते हैं कि कैबिनेट में ये बजट जो है बिफोर द डिस्कशन इन नेशनल असम्बली ये प्रजेंट हों। तो यहाँ पर एक शॉर्ट सी डेफिनेशन हमने दी है, एनुअल बजट स्टेटमेंट्स कंटेन्स एस्टिमेटेड रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर्स इन टर्म्स ऑफ आर्टिकल 81 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। तो ये एक डॉक्यूमेंट फाइनेंस डिवीजन का अवेलेबल भी होता है, आप गूगल पर जाकर सर्च करें एनुअल बजट स्टेटमेंट ऑफ पाकिस्तान तो ये आ जाएगा, और उसमें आप देखेंगे कि रिसीट्स और बैंक स्टेटमेंट्स वगैरह जो हैं वो रिसीट्स, तो उसमें आप देखेंगे कि रिसीट्स और एक्सपेंडिचर वगैरह की डिटेल्स हैं। प्रपोजल्स फॉर लेवी, अबॉलिशन, रिमिशन, अल्ट्रेशन, रेगुलेशन ऑफ एनी टैक्स एंड फ्लोटेशन ऑफ लोन्स।
उसके बाद है रेफरेंस टू द सुप्रीम कोर्ट फॉर एडवाइस ऑन अ क्वेश्चन ऑफ लॉ अंडर क्लॉज वन ऑफ आर्टिकल 186. आर्टिकल 186 कहता है कि प्रेसिडेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट को किसी भी चीज़ के मामले में एडवाइस जो है वो रिक्वेस्ट कर सकता है. FHE जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड लेइंग ऑफ इंटर प्रोविंशियल ट्रांसमिशन लाइन्स, इलेक्ट्रिसिटी और लाइन्स इंटर प्रोविंशियल, उससे रिलेटेड जो मामलात हैं वो कैबिनेट की मीटिंग में डिस्कस होते हैं. पार्ट जी जो है वो यहाँ पे 1 जून 2010 में इसको ओमिट कर दिया गया. अच्छा, अब आगे देखते हैं. पार्ट एच है प्रपोजल्स फॉर साइनिंग ऑफ नेगोशिएटेड इंस्ट्रूमेंट्स. या नेगोशिएटेड इंस्ट्रूमेंट्स से मुराद ये है कि कोई एग्रीमेंट्स वगैरह जो हमने विद फॉरेन कंट्रीज़, एंड अप्रूवल ऑफ रेटिफिकेशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स, यानी कि कोई जिस तरह के यूनाइटेड नेशंस चार्टर है या इस तरह से है, तो वो इंस्ट्रूमेंट जो हमने फॉरेन कंट्रीज़ के साथ, फॉरेन एजेंसीज़ के साथ किए होते हैं, वो उनको साइन करने के लिए जो प्रपोजल आते हैं कि जी हम ये एक्सेप्ट कर लें या ना करें, शंघाई कॉरपोरेशन के जो है वो हम मेंबर बन जाएं या ना बन जाएं, तो ये इस तरह की चीज़ें जो हैं वो कैबिनेट में आती हैं. लेकिन उसके लिए कुछ शराइत हैं. प्रोवाइडेड दैट ऑल प्रपोजल्स फॉर इनिशिएशन ऑफ नेगोशिएशन एंड फॉर एंटरिंग इनटू एनी कल्चरल और अदर एग्रीमेंट्स विद एनी फॉरेन गवर्नमेंट शैल इन द फर्स्ट इंस्टेंस बी अप्रूव्ड इन प्रिंसिपल बाय मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ द डिवीजन कंसर्न. यानी कि जो डिवीजन करवा रही है, लेट्स सपोज इट्स फॉरेन मिनिस्ट्री है या स्पोर्ट्स एंड कल्चर डिवीजन है या कोई और है, तो वो जो उसका मिनिस्टर है वो पहले प्रिंसिपली उसको साथ एग्री करेगा कि हाँ जी द टर्म्स आर एक्सेप्टेबल टू अस एंड नाउ वी वांट टू गो विद इट, और इसलिए वो फिर उसके बाद जो है वो कैबिनेट में आएगा फॉर फर्दर डिस्कशन. एंड एक्चुअल नेगोशिएशन शैल बी इनिशिएटेड ओनली आफ्टर सच अप्रूवल. यानी कि जब वो कैबिनेट में अप्रूव हो जाए वो प्रपोजल, फिर उसके बाद आप नेगोशिएट करेंगे कि हाँ जी हम ये आपके साथ एग्रीमेंट करना चाहते हैं. ओके जी. प्रोवाइडेड फर्दर दैट द डिसीजंस रिगार्डिंग द कंपोजिशन ऑफ ऑल डेलीगेशंस एक्सेप्ट दोज फॉर विच इंपॉर्टेंट बिलीव्स आर रिक्वायर्ड. ओके जी, नेक्स्ट है इसी का पार्ट है. प्रोवाइडेड फर्दर दैट डिसीजन रिगार्डिंग कंपोजिशन ऑफ ऑल डेलीगेशंस एक्सेप्ट दोज फॉर विच इंपॉर्टेंट ब्रीफ्स आर रिक्वायर्ड टू अटेंड मीटिंग्स ऑफ इंटरनेशनल बॉडीज मे बी टेकन बाय म्यूचुअल कंसल्टेशन बिटवीन द मिनिस्टर एंड मिनिस्टर फॉर फाइनेंस. ठीक है जी, बट द अप्रूवल ऑफ द प्राइम मिनिस्टर शैल बी ऑब्टेंड. किस केस के अंदर? वैसे वो ये बता रहे हैं कि जी कोई डेलीगेशन वगैरह जो बाहर जाना है उसके लिए जिन लोगों ने जाना है उसके ऊपर जो डिसीजन करेंगी वो कंसर्न मिनिस्ट्री है प्लस मिनिस्टर फॉर फाइनेंस है. फाइनेंस ने चूंकि अप्रूवल करना होता है बजट का, उसके फाइनेंसिस का, और वो देखता है कि जी कितने लोगों के जाने की ज़रूरत है कितनों की नहीं है, तो वो प्राइम मिनिस्टर से दोनों मिनिस्ट्रीज आपस में कंसल्ट करके करेंगी. और प्राइम मिनिस्टर का अप्रूवल किस केस में रिक्वायर्ड होगा? वेयर द डेलीगेशन इज स्पॉन्सर्ड बाई अ डिवीजन अंडर द डायरेक्ट चार्ज ऑफ द प्राइम मिनिस्टर. यानी कि एक डिवीजन को हेड ही प्राइम मिनिस्टर कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपने प्राइम मिनिस्टर के साथ वो करना है. और डिवीजन अंडर द चार्ज ऑफ द मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस, यानी कि फाइनेंस मिनिस्टर के पास एडिशनल चार्ज दिया हुआ है किसी डिवीजन का, तो उसके लिए आप जो है वो प्राइम मिनिस्टर से कंसल्ट करेंगे. देखें, फाइनेंस मिनिस्ट्री के साथ तो इन एनी केस आप कर ही रहे हैं, लेकिन एक और डिवीजन है जो कि मिनिस्टर फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर आ रहा है, उसके लिए भी आप फिर प्राइम मिनिस्टर के पास जाएंगे. वेयर मिनिस्टर इज प्रपोज टू बी इंक्लूडेड इन द डेलीगेशन. एक मिनिस्टर को आपने ऐड इन करना है किसी और डिवीजन में से, तो वो आप उसके अप्रूवल चाह रहे हैं डेलीगेशन के अंदर, तो वो भी आप प्राइम मिनिस्टर से कंसल्ट करेंगे. सो ये जो एच है ये रिगार्डिंग फॉरेन कंट्रीज़ के साथ जो नेगोशिएटेड इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसके बारे में बात करता है, और फिर ये बताता है कि जी जो कंसर्न डिवीजन है वो पहले उसको प्रिंसिपली एग्री करेगा, तो फिर उसके बाद ये कैबिनेट के अंदर जो है वो डिस्कशन में आएगा. और फिर सेकंडली जो डेलीगेशंस बाहर के ममालिक में जाते हैं उनके लिए रेलेवेंट मिनिस्ट्री का और मिनिस्टर फॉर फाइनेंस का म्यूचुअल कंसल्टेशन होगी, और दो केसेस के अंदर प्राइम मिनिस्टर का अप्रूवल रिक्वायर्ड होगा, जिसमें यानी कि मिनिस्ट्री ही या तो प्राइम मिनिस्टर के अंडर है या वो मिनिस्टर फाइनेंस के अंडर है, या फिर कोई तीसरा मिनिस्टर है उसको ऐड इन कराना है तो वो प्राइम मिनिस्टर से अप्रूवल लिया जाएगा. अच्छा, नेक्स्ट इज प्रोवाइडेड फर्दर दैट अ डिसीजन रिगार्डिंग द ओपनिंग ऑफ एन ऑनरेरी कॉन्सुलेट अब्रॉड मे बी टेकन बाय द फॉरेन डिवीजन, फॉरेन अफेयर्स डिवीजन, इन कंसल्टेशन विद द कॉमर्स डिवीजन. तो कॉमर्स डिवीजन और फॉरेन अफेयर्स डिवीजन जो है वो मिल के इसको जो है वो करेंगे. इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स एंड डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड टू बी लेड बिफोर द असेंबली और सेनेट में कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह इंपॉर्टेंट जाने हैं तो वो भी कैबिनेट में डिस्कस होंगे. केसेस इन्वॉल्विंग वाइटल पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज. ठीक है जी,
जिस तरह के एजुकेशन पॉलिसी है या अपना हेल्थ पॉलिसी है गवर्नमेंट लेके आना चाह रही है या कोविड की वैक्सीनेशन के ऊपर कोई पॉलिसी बनाना चाह रहे हैं, तो ये भी कैबिनेट में डिस्कस होगी। Cases of this nature shall first be brought to the notice of Prime Minister by the Minister in charge. The Prime Minister will decide whether any such case should be brought before the cabinet. यानी कि ये जो ये बड़ी ओपन सी स्टेटमेंट है कि वाइटल पोलिटिकल इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज़, तो वो प्राइम जो मिनिस्टर इंचार्ज है वो पहले प्राइम मिनिस्टर के नोटिस में लेके आएगा कि जी ये पॉलिसी बनने जा रही है, शुड वी ब्रिंग इट इन द कैबिनेट फॉर डिस्कशन। केस विच द मिनिस्टर इंचार्ज कंसिडर्स इंपॉर्टेंट इनफ फॉर डिस्कशन इन द कैबिनेट। Other cases required to be referred to the cabinet under the provisions of these rules and any case desired by the Prime Minister to be referred to the cabinet. यानी कि Prime Minister खुद से भी कह सकते हैं जी फलां केस आप कैबिनेट के अंदर डिस्कस करें। इसी का दूसरा पॉइंट था, नॉट विद स्टैंडिंग द प्रोविजंस ऑफ सब रूल 1, द प्राइम मिनिस्टर मे इन एनी केस गिव डायरेक्शन एज टू द मैनर ऑफ इट्स डिस्पोजल विदाउट प्रायर रेफरेंस टू द कैबिनेट। यानी कि प्राइम मिनिस्टर अपने तौर पर भी ये अथॉरिटी रखते हैं कि वो केस को डिस्पोजल उसका जो है उसके ऊपर डायरेक्शंस दे दें। अब यहाँ पे बात आती है मेथड ऑफ डिस्पोजल ऑफ कैबिनेट केसेस, डिस्पोज किस तरह करेंगे। ठीक है जी, बाय डिस्कशन एट अ मीटिंग ऑफ द कैबिनेट, बाय सर्कुलेटिंग अमंगस्ट मिनिस्टर्स, बाय डिस्कशन एट अ मीटिंग ऑफ कमेटी ऑफ द कैबिनेट। कैबिनेट ने कोई कमेटी बनाई हुई है तो उसके पास लेके जाया जा सकता है। Provided that the decisions of the committee shall be ratified by the cabinet unless the cabinet has authorized otherwise. अगर तो कैबिनेट ने कहा हुआ है कि हाँ जी जो कमेटी फैसला कर देगी हम उसके मुताबिक कर देंगे तो ठीक है, वरना कैबिनेट जो है वो कमेटी के फैसलों की तौसीक करेगी। The secretary to the cabinet, जिसको आप कैबिनेट सेक्रेटरी कहेंगे, under the general or special order of the prime minister, indicate the manner in which case shall be disposed of. यानी कि वो इन तीनों में से जो कैबिनेट सेक्रेटरी हैं वो प्राइम मिनिस्टर की हिदायत के मुताबिक बताएंगे कि जी ये मिनिस्टर्स के अमंग सर्कुलेट होना है या ये डिस्कस होगा या किस तरह से इसको जो है वो कमेटी के पास भेजना है, किस तरह से इसको डिस्पोज करना है। कमेटीज़ ऑफ द कैबिनेट मे बी कॉन्स्टिट्यूटेड एंड देयर टर्म्स ऑफ रेफरेंस एंड मेम्बरशिप लेड डाउन बाय द कैबिनेट और द प्राइम मिनिस्टर। ठीक है जी, सच कमेटीज़ मे बी स्टैंडिंग और स्पेशल कमेटीज़ अकॉर्डिंगली एज दे आर अपॉइंटेड टू डील विद अ क्लास ऑफ केसेज और स्पेसिफिक केस। ठीक है जी, कुछ स्टैंडिंग कमेटीज़ बना दी जाती हैं और वो डायरेक्टली केसेज उस नेचर के उसके पास चले जाते हैं। स्टैंडिंग कमेटीज़ आर द मिनी लेजिस्लेचर्स वेयर पॉलिसी इशूज़ आर डिस्कस्ड इन डिटेल एंड सोल्यूशंस आर प्रपोज्ड। ईच मिनिस्ट्री हैड अ रेलिवेंट कमेटी विच चेक्स द मिनिस्ट्री एंड होल्ड्स इट्स अकाउंटेबल फॉर इट्स एक्शंस। ठीक है जी, ओके जी, नेक्स्ट इज मैनर ऑफ सबमिशन ऑफ कैबिनेट केसेस, यानी कि कैबिनेट में जब केसेस मिनिस्ट्रीज़ ने या डिविजन्स ने सबमिट कराने हैं तो क्या तरीका कार होता होगा, आपके जहन में वैसे क्या आता है। लाजमी सी बात है कि दो तीन पेजेस के ऊपर लिख के जी ये हमारा पॉलिसी है, ये हमारी रिकमेंडेशंस हैं, इसके ऊपर कैबिनेट जो है वो अपना वो फीडबैक दे, या कोई प्रॉब्लम लिखते होंगे कि जी जो इन्फ्लेशन है वो बहुत ज़्यादा हाई है उसके हल करने के लिए ये तरीका कार है, ये हम पॉलिसी लेके आना चाह रहे हैं, उसके ऊपर कैबिनेट डिस्कशन करे। तो ऐसा ही कुछ समझ आता है कि जो सबमिशन का तरीका कार है वो एजेंडा के मुताबिक इस तरह से सबमिट होता होगा। और जो तीन मेथड्स हमने पढ़ लिए हैं पीछे के जी, वो पहले या तो कैबिनेट के अंदर सर्कुलेट हो या फिर मिनिस्टर्स को दिया जाए अलग से उसके ऊपर स्टडी करने के लिए, या कैबिनेट की कमेटी को दे दिया जाए। तो अब हम ये देखते हैं मैनर ऑफ सबमिशन ऑफ कैबिनेट केसेस क्या तरीकाकार है। इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल केसेस टू बी सबमिटेड टू द कैबिनेट, द सेक्रेटरी ऑफ द डिवीजन कंसर्नड शैल ट्रांसमिट टू द कैबिनेट सेक्रेटरी अ कॉन्साइज ल्यूसिड एंड प्रिंटेड मेमोरेंडम ऑफ द केस हियर इन रेफर टू एज द समरी। ठीक है जी, यानी कि जिस डिवीजन का वो मिनिस्टर है उसने सेक्रेटरी है उसने ये बात याद रखी है यहाँ पे, द सेक्रेटरी ऑफ द डिवीजन, यानी कि सेक्रेटरी जो है वो कैबिनेट सेक्रेटरी को एक 2-3 पेजेस का वो दे देगा समरी और प्रिंटेड फॉर्म में फॉर फर्दर डिस्कशन, गिविंग द बैकग्राउंड एंड रेलिवेंट फैक्ट्स, द पॉइंट्स फॉर डिसीजन एंड द रिकमेंडेशंस ऑफ द मिनिस्टर इन चार्ज। इन द इवेंट ऑफ व्यूज ऑफ द डिवीजन बीइंग डिफरेंट फ्रॉम द व्यूज ऑफ द मिनिस्टर, बोथ द व्यूज शैल बी इंक्लूडेड इन द समरी। देखें, पीछे हमने एक पढ़ा था कि जी सेक्रेटरी के जो डिवीजन का सेक्रेटरी है उसके व्यूज़ में और जो मिनिस्टर इंचार्ज है उसके व्यूज़ में आपस में डिफरेंस हो सकता है। तो कैबिनेट अगर वो दोनों सेम पेज पे नहीं है तो कैबिनेट में जो समरी जाएगी उसमें लिखा जाएगा कि जी कैबिनेट जो रिस्पेक्टिव डिवीजन के सेक्रेटरी हैं उनका पॉइंट ऑफ व्यू ये है और उसके बाद जो मिनिस्टर इंचार्ज हैं उनका पॉइंट ऑफ व्यू ये है। इन द केस ऑफ अ प्रपोज लेजिस्लेशन टू विच अप्रूवल इज सॉट इन प्रिंसिपल,
द समरी शैल ब्रिंग आउट क्लियरली द मेन इशू टू बी लेजिस्लेटेड अपॉन, यानी कि उधर दो तीन पेजेस में वो जी कि इस बात के ऊपर हमने लेजिस्लेशन करनी है, कानून बनाना है, वो लिखा जाएगा। द समरी शैल बी सेल्फ कंटेन्ड एज फार एज पॉसिबल, नॉट एक्सीडिंग टू प्रिंटेड पेजेस, एंड मे इंक्लूड एज अपेंडिसेस ओनली सच रेलिवेंट पेपर्स एज आर नेसेसरी फॉर प्रॉपर एप्रिसिएशन ऑफ द केस। ठीक है जी, वो आप अपेंडिक्स में अंदर वो लगा देंगे, अनेक्सर लगा देंगे। द नंबर ऑफ कॉपीज ऑफ द समरी एंड द फॉर्म इन विच इट इज़ टू बी ड्रॉन अप शैल बी प्रिस्क्राइब्ड बाय द कैबिनेट सेक्रेटरी, वो ये डिसाइड करेंगे जी। वेयर अ केस कंसर्न्स मोर देन वन डिवीजन, द समरी शैल नॉट बी सबमिटेड टू द कैबिनेट अनलेस इट हैज़ बीन कंसीडर्ड बाय ऑल द डिवीजन कंसर्न, यानी कि वो मिनिस्टर फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास भी जाना है, कॉमर्स के भी पास जाना है, फॉरन अफेयर्स डिवीजन के पास भी जाना है, तो इन तीनों का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो लिखा जाएगा, फिर उसके बाद ये जाएगा। In the event of a different opinion between them, the points of difference shall be clearly stated in the summary, a copy of which shall be sent by the sponsoring division to other division concerned simultaneously with the transmission of the summary to the cabinet division, yani ke wo jo concerned division hai wo baki ministries ko bhi bata dega ki ji ye aapka point of view jo different opinion hai wo likha gaya hai aur sath hi ye cabinet division ke paas bhi chala jayega। Manner of submission of cabinet cases continued hai, all draft bills ordinances or orders shall be submitted to the cabinet after they have been scrutinized by the law and justice division, यानी कि draft bills जो bills यानी कि जो laws बनने होते हैं, acts बनने होते हैं, वो ordinances या different orders जो हैं वो court orders वो cabinet में आएंगे after they have been scrutinized by the law and justice divisions, and no changes shall be made therein except in consultation with that division। law and justice division को खुद से change नहीं उसके अंदर करेगा, concerned division जो है उसको बताएगा। No case for inclusion in the agenda for meeting of the cabinet shall be accepted unless it reaches the cabinet secretary at least 7 clear days in advance of the meeting, यानी कि वो 7 दिन पहले जो है वो पहुँचेगा तो फिर ही उसको किया जाएगा, provided that हाँ अगर कोई urgent nature का आ गया है तो प्राइम मिनिस्टर से आप परमिशन ले लें और उसको कैबिनेट सेक्रेटरी को कह के उसको एजेंडा के अंदर मिलवा लें। ठीक है जी। इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द कैबिनेट सेक्रेटरी टू सेटिस्फाई हिमसेल्फ that the papers submitted by a secretary, यानी किसी भी division के बंदे ने जो वो secretary ने paper submit किए हैं, they are complete and in appropriate form, ठीक है जी, he may return the case until the requirements of the usuals have been complied with। If the cabinet secretary is satisfied that the case does not merit consideration of the cabinet, he may advise the matter to be placed before an appropriate forum or require it to be submitted to the prime minister, यानी कि अगर वो समझता है कि यार ये cabinet की उसके ऊपर discussion के ऊपर merit के ऊपर पूरा नहीं उतरता, जहाँ पे वो उसके उसमें एजेंडास के अंदर नहीं है, तो ये प्राइम मिनिस्टर को देगा या वो इसे एडवाइस कर देगा कि भाई किसी और जगह पे किसी और काउंसिल के अंदर फोरम के अंदर इसको जो है आप सबमिट कराएं। प्रोसीजर रिगार्डिंग सर्कुलेशन ऑफ कैबिनेट केसेस, व्हेन अ केस इज सर्कुलेटेड टू कैबिनेट फॉर रिकॉर्डिंग ओपिनियन, द कैबिनेट सेक्रेटरी शैल स्पेसिफाई द टाइम बाय विच ओपिनियन शुड बी कम्युनिकेटेड टू हिम। If a minister does not communicate his opinion by that time, it shall be assumed that he accepts the recommendation contained in the summary, यानी कि अगर कोई minister जो है वो अपना उसके ऊपर feedback within specified time जो कि cabinet secretary ने दिया हुआ है वो नहीं submit कराया था, तो इसका मतलब जो summary आई है वो accept है उसकी तरफ से। On the expiry of specified time, the cabinet secretary shall submit the opinions received to the prime minister for decision. If the prime minister directs, the case shall be discussed at cabinet meeting. The cabinet secretary shall circulate the opinions recorded by the ministers in the form of supplementary summary. Report made to the cabinet of action taken on its decision and other cases submitted only for information shall normally be disposed of by circulation, yani ki wo sab ke andar distribute kar denge। Procedure regarding cabinet meetings, ye bada important hai और ये आप इससे आप गैस कर सकते हैं कि इसके अंदर हम क्या डिस्कस करेंगे कि जी कैबिनेट की मीटिंग्स कब कब होंगी, प्राइम मिनिस्टर के पास क्या अथॉरिटी है कि वो कैबिनेट मीटिंग बुला लें। जिस तरह हम न्यूज़ में भी सुनते हैं कि जी वो प्राइम मिनिस्टर ने कैबिनेट की मीटिंग जो है वो कॉल कर ली है, तो मीटिंग ऑफ द कैबिनेट टू डिस्कस ऑर्डिनरी बिजनेस शैल नॉर्मली बी हेल्ड वंस अ वीक ऑन अ डे एंड टाइम टू बी स्पेसिफाइड बाय द प्राइम मिनिस्टर, provided that the prime minister may call for a special meeting of the cabinet at any time and on any day to discuss urgent business। Self-explanatory, meetings of the cabinet will be attended by the federal ministers, provided that the prime minister may require the ministers of state, advisor, special assistant, wo bhi ji aap aa jaye sare attend kare। Theek hai ji। Ministers shall so arrange their tours that they are able to attend the weekly cabinet meetings, yani ki weekly jo cabinet meeting hai wo अटेंड करें, अनलेस दे हैव ऑब्टेंड द प्राइम मिनिस्टर्स परमिशन टू एब्सेंट देमसेल्व्स, इन विच द
इन विच केस देयर सेक्रेटरी शुड इनवेरिएबली बी इन अटेंडेंस एट द कैबिनेट मीटिंग इफ एनी आइटम रिलेटिंग टू हिज डिवीजन इज ऑन द एजेंडा ऑफ द कैबिनेट मीटिंग। यानी कि अगर किसी डिवीजन का एजेंडा है और मिनिस्टर जो है वो प्राइम मिनिस्टर से की इजाज़त से छुट्टी लेके चले गए हैं तो उस डिवीजन के सेक्रेटरी जो हैं वो लाजमी मौजूद होंगे वहाँ पर। द प्राइम मिनिस्टर मे ऑथराइज द होल्डिंग ऑफ कैबिनेट मीटिंग्स ड्यूरिंग हिज एब्सेंस। यानी कि खुद नहीं है तो मीटिंग करवा सकते हैं, उसके लिए क्या करेंगे वो किसी बंदे को, किसी मिनिस्टर को नॉमिनेट करेंगे। द प्राइम मिनिस्टर शैल प्रिजाइड एट ऑल कैबिनेट मीटिंग्स बाय डिफॉल्ट, तो ये होना इन द एब्सेंस ऑफ प्राइम मिनिस्टर अ मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर शैल प्रिजाइड। द डिसीजन टेकन इन द प्राइम मिनिस्टर्स एब्सेंस शैल बी सब्जेक्ट टू द अप्रूवल ऑफ प्राइम मिनिस्टर। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है जी। अनलेस द कैबिनेट फीस दैट अ पर्टिकुलर केस इज सो अर्जेंट दैट इमीडिएट एक्शन मे बी टेकन इन एंटिसिपेशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर्स अप्रूवल। यानी कि उनको लगता है कैबिनेट को कि प्राइम मिनिस्टर इसके ऊपर अप्रूवल दे देंगे तो वो उसको डिसीजन को ले सकते हैं। अदरवाइज जितने भी वो कैबिनेट के डिसीजंस हैं प्राइम मिनिस्टर की एब्सेंट में वो उनका अप्रूवल प्राइम मिनिस्टर से ही होगा। ओके जी, ये कंटिन्यूड है। पांचवा पॉइंट है द कैबिनेट सेक्रेटरी शैल ऑर्डिनरली इशू टू द मिनिस्टर 3 days इन एडवांस ऑफ अ मीटिंग अ सर्कुलर शोइंग द केसेस प्रपोज टू बी प्लेस्ड ऑन द एजेंडा टुगेदर विद द समरीज रिलेटिंग टू सच केसेस। इन द केस ऑफ स्पेशल मीटिंग्स द एजेंडा मे बी इशूड लेस देन 3 days इन एडवांस। अ कॉपी ऑफ द एजेंडा विदाउट समरीज शैल ऑल्सो बी सप्लाइड टू द सेक्रेटरीज ऑफ द डिवीजन। ये भी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। No case shall be discussed nor any issue raised unless the summary relating to it has first been circulated. इट्स एन अमेजिंग पॉइंट। यानी कि जब तक आपने वो समरी जो है वो मिनिस्टर्स को दी नहीं है उससे पहले वो कैबिनेट की उसके अंदर नहीं बन सकता। और यही हमने पीछे भी पढ़ा कि जो डिवीजन है कंसर्न वो 7 दिन पहले जो है वो उसकी समरी जो है वो कैबिनेट सेक्रेटरी को जमा करवा देगा, ठीक है। और कैबिनेट सेक्रेटरी जो है वो 3 दिन पहले जो है वो मीटिंग का टाइम रख देगा कि जी 3 दिन बाद आपकी है अर्जेंट केसेस में, वो 3 दिन से मतलब मैक्सिमम 1 दिन के अंदर अंदर वो बता देगा, साथ वो एजेंडा बताएगा, साथ वो समरीज की कॉपीज देगा। प्रोवाइडेड दैट द प्राइम मिनिस्टर मे इन हिज डिस्क्रेशन और एट द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ मिनिस्टर डिस्पेंस विद दिस रिक्वायरमेंट इफ ही इज सेटिस्फाइड दैट सर्कमस्टांसिस वर सच दैट अ वर्किंग पेपर कुड नॉट बी सप्लाइड एंड द मैटर कुड ब्रोक नो डिले। यानी कि अगर प्राइम मिनिस्टर समझते हैं कि यार वो समरी बनाना आज के दिन ही हमने ये फैसला लेना है तो हमने समरी अभी नहीं बन सकी तो इट्स ओके। द सेक्रेटरी शैल बी इन अटेंडेंस एट द कैबिनेट मीटिंग फॉर द पर्पज ऑफ द केस रिलेटिंग टू हिज डिवीजन इवन व्हेन हिज मिनिस्टर अटेंड द मीटिंग। ये जो क्वेश्चन आपके माइंड में आया होगा उस टाइम कि अगर मिनिस्टर नहीं है तो सेक्रेटरी अटेंड करेगा, लेकिन अगर मिनिस्टर है तो क्या सेक्रेटरी अटेंड करेगा? जी बिल्कुल करेगा। अगर उसका केस डिस्कस होना है तो मिनिस्टर के साथ साथ जो है वो सेक्रेटरी भी अटेंड करेगा। तो आप अगर जो कैबिनेट की मीटिंग्स हो रही होती हैं देखें तो मिनिस्टर्स के पीछे जो हैं वो सेक्रेटरीज बैठे होते हैं। अदर ऑफिसर्स ऑफ द डिवीजन शैल नॉट ऑर्डरली बी रिक्वायर्ड टू बी इन अटेंडेंस एट द कैबिनेट मीटिंग्स एक्सेप्ट, ठीक है जी। डिवीजन के दूसरे लोग हैं उनको नहीं बुलाया जाता अनलेस के कोई कंडीशन हैं व्हेन इंफॉर्मेशन पॉइंट्स विद इन देयर टेक्निकल और स्पेशलाइज नॉलेज इज रिक्वायर्ड। यानी कि कोई डैम का प्रोजेक्ट है तो मिनिस्टर और सेक्रेटरी को तो चलो जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है ही है, उसके ऊपर कोई टेक्निकल है तो वो जो इंजीनियर है वो आके करेगा। व्हेन द मिनिस्टर और द सेक्रेटरी इज अनएबल टू अटेंड, यानी कि मिनिस्टर और सेक्रेटरी जो दोनों नहीं अटेंड कर सकते बाहर फॉरेन टूर पे गए हुए हैं, तो फिर कोई दो जो बंदा है उसकी भी क्या कंडीशन है। इन सच केसेस एनी ऑफिसर मे बी इन्वाइटेड टू द मीटिंग बाय द कैबिनेट सेक्रेटरी। सच ऑफिसर्स मे बी आस्क्ड टू ज्वाइन द मीटिंग ओनली फॉर द रेलिवेंट केस एंड आफ्टर गिविंग द इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड शैल विदड्रॉ फ्रॉम द मीटिंग बिफोर डिस्कशन इज टेकन अप बाय द कैबिनेट। यानी कि वो अपना पॉइंट बताएंगे और उसके बाद निकल जाएंगे। इफ द सेक्रेटरी ऑफ द डिवीजन कंसर्न कंसीडर्ड दैट द डिस्कशन ऑन द केस शुड अवेट द रिटर्न ऑफ द मिनिस्टर ही मे रिक्वेस्ट द कैबिनेट सेक्रेटरी फॉर इट्स पोस्टपोनमेंट अनटिल द रिटर्न ऑफ द मिनिस्टर। सिमिलरली द सेक्रेटरी मे रिक्वेस्ट फॉर द विदड्रॉल ऑफ द केस बिलोंगिंग टू हिज डिवीजन फ्रॉम द एजेंडा ऑफ द कैबिनेट मीटिंग। यानी कि सेक्रेटरी वो कर सकता है रिक्वेस्ट के जी ये मिनिस्टर है नहीं इसको आप पोस्टपोन कर दें या फिर वो एजेंडा आइटम से निकाल दें। तो ये काफ़ी ज़्यादा प्रोविजंस जो हैं वो सेक्रेटरीज को डिवीजन्स को दी हुई हैं कैबिनेट के साथ मीटिंग्स के लिए। व्हेन अ केस इज टेकन अप बाय अ मीटिंग ऑफ द कैबिनेट द प्राइम मिनिस्टर मे रिक्वेस्ट द मिनिस्टर और द सेक्रेटरी और एनी अदर ऑफिसर ऑफ द मिनिस्ट्री कंसर्न हु मे बी इन अटेंडेंस इन अकॉर्डेंस विद द सब रूल 8 टू एक्सप्लेन द पॉइंट और पॉइंट्स ऑन विच डिसीजन इज रिक्वायर्ड, ठीक है जी। प्राइम मिनिस्टर उसे कह सकता है द कैबिनेट सेक्रेटरी एंड और एनी अदर ऑफिसर ऑफ द कैबिनेट डिवीजन ऑथराइज्ड बाय हिम शैल अटेंड ऑल मीटिंग्स एंड प्रिपेयर। यानी कि अब वो मिनट्स वगैरह के लिए भी इंस्ट्रक्शंस आ गई हैं। अ ब्रीफ रिकॉर्ड ऑफ द डिस्कशन विच इन द एब्सेंस ऑफ स्पेशल डिस्कशन बाय द कैबिनेट टू द कॉन्ट्रेरी शैल बी ऑफ एन इम्पर्सनल नेचर, ठीक है जी। अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं, जो ब्रीफ रिकॉर्ड जो जैसे बातें हुई हैं वो
अ रिकॉर्ड ऑफ द डिसीजन विदाउट एनी स्टेटमेंट ऑफ द रीजन देयर फॉर, यानी कि क्या उस डिसीजन के पीछे वजह थी ये नहीं, लेकिन जो डिसीजन है वो लिखेगा. द कैबिनेट सेक्रेटरी शैल सर्कुलेट टू द मिनिस्टर्स एंड इफ सो डिजायर्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर टू द एडवाइजर्स एंड स्पेशल असिस्टेंट्स टू द प्राइम मिनिस्टर अ कॉपी ऑफ द अबव रिकॉर्ड फॉर प्रूजल एंड रिटर्न विद इन 24 आवर्स ऑफ द इशू. तो जी इसका मतलब ये है कि जी प्राइम मिनिस्टर की परमिशन से कैबिनेट सेक्रेटरी जो है वो ऊपर जो डिसीजन वगैरह लिया गया उसका डॉक्यूमेंट जो है वो उनको देगा. एडवाइज़र और स्पेशल असिस्टेंट अगर वो प्राइम मिनिस्टर कहे तो उनको भी उसकी कॉपी देगा और वापस करें जी विद इन 24 आवर्स ऑफ द इशू. अ कॉपी ऑफ द डिसीजन ऑफ द कैबिनेट एंड वेयर एवर कंसिडर्ड नेसेसरी ऑफ द पॉइंट्स मेड ड्यूरिंग द डिस्कशन शैल बी सप्लाइड बाय द कैबिनेट सेक्रेटरी टू द सेक्रेटरी ऑफ द डिवीजन कंसर्न फॉर एक्शन अंडर रूल 24. ठीक है जी, वो आगे हम देखेंगे. If a minister considers that there has been a mistake or omission in recording the minute, he shall point it out to the cabinet secretary within 24 hours of the issue of the minutes. The cabinet secretary shall obtain the orders of the prime minister and, if necessary, issue a corrigendum. यानी कि उसकी correction दे देगा. In case एक secretary ने आके कहा कि जी वो जो point discuss हुआ था वो तो इसके अंदर लिखा नहीं गया, तो वो cabinet secretary prime minister को दिखा के उसके ऊपर जो है वो correction दे सकता है. Correct the official record in the cabinet division and advise the secretary of the division concerned. Where a minister was unable to attend a cabinet meeting and the secretary attended the meeting, the record of the items concerning the division shall be sent to the secretary. ठीक है जी, 20A जो है इसमें से निकल गया, 21 भी निकल गया. ओके जी, स्टार्ट करते हैं प्रोसीजर रिगार्डिंग नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल. नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल जो है बुनियादी तौर पर ये प्राइम मिनिस्टर को इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ पे, इकोनॉमिक प्लानिंग के ऊपर एडवाइस करती है. तो इसमें देखते हैं कि जी नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल का क्या प्रोसीजर होगा. मीटिंग्स ऑफ द नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल शैल बी कन्वीन्ड बाय द कैबिनेट डिवीजन अंडर द डायरेक्शंस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर हु शैल प्रिजाइड एट द मीटिंग्स. यानी कि ये कैबिनेट डिवीजन इसको कॉल करेगा और अंडर द डायरेक्शंस ऑफ प्राइम मिनिस्टर जो कि इसको प्रिजाइड करेंगे. द फेडरल एंड प्रोविंशियल मिनिस्टर्स एंड ऑफिसर्स ऑफ द डिवीजन कंसर्न एंड ऑफ द प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स मे बी एसोसिएटेड विद द डेलीब्रेशन ऑफ नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल एज एंड वैन कंसिडर्ड नेसेसरी. ओके जी, नेक्स्ट इज द प्रोविजन ऑफ रूल 17, 18 एंड 20 शैल अप्लाई म्यूटेटिस म्यूटेंडिस टू द मैनर ऑफ सबमिशन ऑफ केसेज टू एंड द प्रोसीजर ऑफ द मीटिंग्स ऑफ नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल एक्सेप्ट दैट द समरी शैल रीच द कैबिनेट डिवीजन एट लीस्ट 15 क्लियर डेज इन एडवांस ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ द मीटिंग. इसका यह मतलब है कि जो पीछे हमने रूल 17, 18 एंड 20 पढ़े वो बिल्कुल उसी कंपैरिजन के साथ, उन्हीं चेंजेस के साथ जो है वो नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल की उसके ऊपर अप्लाई होंगे. सिर्फ ये कि वहाँ पे 7 डेज़ का टाइम था कि जी जो डिवीज़न है, कंसर्न डिवीज़न है, वो 7 डेज़ पहले जो है वो उसको मिल जाए कि जी ये आपने समरी जो है ये एजेंडा के अंदर रखनी है. तो इसमें यह है 15 डेज़ पहले जो है वो आपने कैबिनेट डिवीज़न को सबमिट करवानी है. अदर इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग सबमिशन ऑफ केसेज टू नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल शैल बी इशूड बाई द कैबिनेट सेक्रेटरी. ठीक है, नेक्स्ट इज प्रोसीजर रिगार्डिंग कमेटीज़ ऑफ द कैबिनेट. कैबिनेट की जो कमेटियां हैं और नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल, उनका क्या प्रोसीजर है. मीटिंग्स ऑफ द कमेटी ऑफ द कैबिनेट और ऑफ द नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल शैल बी कन्वीन्ड बाय द कैबिनेट डिवीजन अंडर द डायरेक्शन ऑफ द चेयरमैन ऑफ द कमेटी कंसर्नड हु शैल प्रिजाइड एट द मीटिंग ऑफ द कमेटी. द मेंबर्स ऑफ द कमेटी शैल अटेंड द मीटिंग्स प्रोवाइडेड दैट अ फेडरल मिनिस्टर और प्रोविंशियल मिनिस्टर वेयर ही इज अ मेंबर इफ अनएबल टू अटेंड अ मीटिंग मे ऑथराइज द सेक्रेटरी ऑफ द डिवीजन और डिपार्टमेंट कंसर्न टू रिप्रेजेंट हिम. ऑफिशियल्स ऑफ द डिवीजन कंसर्न एंड ऑफ द प्रोविजनल गवर्नमेंट्स मे बी एसोसिएटेड विद द डेलीब्रेशन ऑफ द कमेटी एज एंड वैन कंसिडर्ड नेसेसरी. सो ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी पॉइंट्स हैं. द प्रोविजन ऑफ रूल्स 18, 19 एंड 20 शैल अप्लाई टू म्यूटेंटिस म्यूटेंडिस to the manner of submission of cases to and the procedure of meeting the of the committee. यानी कि जो हमने manner of submission to the cases देखे थे और जो procedure for the meeting of the committee है, exactly cabinet committee वाली जो cabinet division की जो meeting है, cabinet की meeting है, वही rules जो हैं 18, 19 और 20 यहाँ पे national economic council की और committees की meetings के लिए apply होंगे. Other instructions regarding submission of cases to the committee shall be issued by the cabinet secretary. एक्शन ऑन डिसीजंस ऑफ द कैबिनेट नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल और देयर कमेटीज़. यानी कि अब तक हम कैबिनेट को देख रहे हैं, कैबिनेट की कमेटीज़ को देख रहे हैं, या फिर तीसरी चीज़ जो हमने देखी है वो नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल. तो इनके जो डिसीजन है उनके ऊपर एक्शन होना होता है, तो वो कैसे होता है. व्हेन अ केस हैज़ बीन डिसाइडेड बाय द कैबिनेट और एनी सी और द कमेटीज़ द मिनिस्टर इन चार्ज शैल टेक प्रॉम्प्ट एक्शन टू गिव इफेक्ट टू द डिसीजन. व्हेन द डिसीजन इज रिसीव्ड बाय द सेक्रेटरी ऑफ द डिवीजन कंसर्न ही शैल. मिनिस्टर ने मार्क कर दिया डिवीजन के सेक्रेटरी को कि भाईजान ये आप इंप्लीमेंट करें, ये डिसीजन फाइनल हो गया है, तो आगे क्या होगा. एक्नॉलेज द रिसीट ऑफ द डिसीजन इन द फॉर्म प्रोवाइडेड. द
transmit the decision to his division for action. Keep a register with himself of the decision received and for the purpose of ensuring that prompt and complete action is taken on those decisions. Coordinate action with any other division concerned with the decision. Phir teesra kya hai, the secretary of the division concerned shall on receipt of the cabinet decision communicate it to the division but shall not forward the original documents. The decision shall be formally convened as a decision of the federal government and details to the ministers present at the meeting of the cabinet. Committee of cabinet shall not be disclosed. यानी कि basically ये कहना चाहता है कि जो भी decision आया है और जो details ministers उस meeting में बैठे हुए थे, committee में बैठे हुए थे, वो नहीं disclose की जाएंगी. The record of the discussion before a decision was taken shall not be passed down unless it contains points which require further consideration or action in the division concerned. तो ये secrecy के मामलात हैं, उस decision तक पहुँचने के दौरान जो discussion हुई है वो भी नहीं share की जाएगी unless कि उसमें कोई ऐसी बात है कि जो कि important है for future decision, तो तब वो share की जाएगी. To ensure implementation of the cabinet decision, the secretary of each division shall keep a record of all the decision conveyed to him and shall watch progress of action until it is completed. It shall be his responsibility as a secretary of the division sponsoring the summary to consult or inform any other division concerned in order to ensure full implementation of the decision. ठीक है जी. The cabinet secretary shall watch the implementation of cabinet decisions and the secretary in the division concerned shall supply to the cabinet secretary such documents as the latter may be by general or special request required to enable him to complete his record of the case. यानी कि वही जो decisions की progress है वो cabinet secretary भी रख रहा होगा और cabinet secretary को provide करेगा दूसरे division का secretary documents जिससे वो उसका record जो है वो case का वो पूरा हो सके. The cabinet secretary shall maintain the record of each case which shall consist of copy of all papers issued under rules 19.1, 25, 22, 3, 23, 4, ये जो हमने ऊपर पढ़े हैं. Copy of records prepared under rules 19.2, 20, 11 और 23.4, ये clause number 4 यानी कि उसका. All documents received under sub rule 5, ठीक है जी. तो इस तरह से ये record रखा जाएगा. The secretaries shall retain in their personal custody the record of cabinet decisions and discussion conveyed to them under Rule 20, uska clause number 13, and shall make them over to their successors at the time of handing over charge. All papers submitted to cabinet are secret until the cabinet discussion has taken place. Thereafter, each secretary shall decide whether the case should continue to be classified as a secret and inform the cabinet division of his decision. ठीक है जी. ये भी यानी कि जब तक उसके ऊपर डिस्कशन नहीं हो जाती वो सीक्रेट रहेगा. द मिनिस्टर शैल रिटर्न टू द कैबिनेट सेक्रेटरी द पेपर्स इशू टू देम फॉर डिसीजन बाय सर्कुलेशन इमीडिएटली आफ्टर रिकॉर्डिंग देयर ओपिनियन. या वो चीज़ वापस करेगा, द पेपर्स इशू टू देम फॉर डिसीजन बाय डिस्कशन इन अ मीटिंग ऑफ द कैबिनेट और कमेटी ऑफ द कैबिनेट. ठीक है जी. इमीडिएटली आफ्टर द डिस्कशन हैज़ टेकन प्लेस. Copies of the record of discussion and decision circulated by cabinet secretaries under rule 19.1, 20, 12, 22, 3 or 23.4 immediately after they have pursued them. So basically in fourth point ye hai, reports of action taken on cabinet decisions or other papers circulated for information immediately after perusal. So basically inka ye yahan pe batane ka maqsad ye hai ki cabinet secretary jo hai wo मिनिस्टर्स उसको वो डिसीजंस जो है जिस तरह से जो पेपर्स इशू होंगे वो अपने टाइमलाइन के मुताबिक उनको वापस करेंगे. लास्ट टू पॉइंट्स हैं जी, पीरियडिकल रिपोर्ट्स और एनुअल रिपोर्ट्स. ये डिवीजंस की एक्टिविटीज़ की पीरियडिकल रिपोर्ट्स के बारे में है. दूसरा पॉइंट इसका है, एट द बिगनिंग ऑफ ईच फाइनेंशियल ईयर ईच डिवीजन शेल फॉर द इंफॉर्मेशन ऑफ द कैबिनेट एंड फॉर जनरल पब्लिक प्रिपेयर एंड अपलोड ऑन इट्स वेबसाइट एज अ परमानेंट रिकॉर्ड ईयर बुक विच शेल कंटेन the details of its activities, achievements and progress during the preceding financial year, giving only the unclassified information which can be used for reference purpose. यानी कि secret information नहीं होगी उसमें, unclassified information. The program of activities and targets set out for itself during the preceding financial year and the extent to which they have been realized. यानी कि अपने लिए जो target वगैरह set किए गए थे वो और किस हद तक उनको achieve करने में कामयाब हुए हैं, ये उस report के अंदर होगा. The relevant statistics properly tabulated. The secretary of the division shall ensure that only unclassified material is supplied for the yearbook so that the information contained therein may be available for the use of academics, scholars and other interested. Secretary of each division shall inform the cabinet secretary within 90 days at the end of the financial year under report about availability of yearbook, who shall disseminate this information to all members of the cabinet and all divisions.
इसी तरह एनुअल रिपोर्ट देयर शैल बी प्रिपेयर्ड बाय द कैबिनेट डिवीजन ऑन एनुअल रिपोर्ट ऑन द ऑब्जर्वेंस एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी इन रिलेशन टू द अफेयर्स ऑफ फेडरेशन इन टर्म्स ऑफ क्लास 3 ऑफ आर्टिकल 29. द लॉ एंड जस्टिस डिवीजन शैल कॉज द रिपोर्ट टू बी लेड बिफोर ईच हाउस ऑफ द मजलिस शूरा. द प्रोविजन ऑफ रूल 25 2 एंड 3 शैल अप्लाई फॉर द प्रिपरेशन एंड सबमिशन ऑफ द रिपोर्ट टू कैबिनेट एज दे अप्लाई टू अ ईयर बुक. जो पिछली 25 जो पिछला पेरोडिकल उसमें हमने देखा रूल नंबर 2 और 3 जो के थे कि हर साल के स्टार्ट में होगी और उसके ये अंदर होगा, ठीक है जी. और जो कैबिनेट है सेक्रेटरी है जिस तरह वो इन्फॉर्म करेगा कैबिनेट सेक्रेटरी को कि जी ये पब्लिश हो चुकी हुई है, इसी तरह ये एनुअल रिपोर्ट के बारे में बात हो रही है. तो यहाँ पे ये हमारा जो अपना कैबिनेट प्रोसीजर था ये ख़त्म होता है पार्ट, और इसके बाद हम नेक्स्ट प्रोसीजर पे चलते हैं पार्ट के ऊपर जो कि है लेजिस्लेशन. लेजिस्लेशन का बुनियादी मकसद होता है कानून बनाना, ये उससे रिलेटेड है. तो कैबिनेट में जब मिनिस्टर्स डिसाइड करते हैं एक एजेंडा के ऊपर कि इसके ऊपर हमें जो है वो एक्ट बनवाना है या ये हमें ऑर्डिनेंस पास करवाना है या फलां ऑर्डिनेंस जो है उसकी तनसीख करवानी है, उसको कैंसिल करवाना है, तो वो सारी चीज़ें कैबिनेट के अंदर हो रही होती हैं. उसका प्रोसीजर है तो वो देखते हैं. ऑफिशियल बिल्स यानी कि जो सरकारी हैं, द डिवीजन कंसर्न शैल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटरमाइनिंग द कंटेंट्स ऑफ प्रपोज्ड लेजिस्लेशन फॉर कंसल्टिंग द अदर डिवीजन्स कंसर्न including the finance division where necessary and for obtaining the approval of the cabinet under rule 16(1)(a) isi rules ka to the issues involved before asking the law and justice division to draft the bill provided that where the proposed legislation involves only a verbal or formal amendment of an existing law it shall not be necessary to obtain approval of cabinet before asking the law and justice division to draft it. When referring to the approved legislation to Law and Justice Division for drafting, the division concerned shall send the relevant papers along with a memorandum indicating the provisions which are intended to be incorporated in the draft bill and giving the objects of and reasons for the provisions to be enabled to enable the Law and Justice Division to grasp the exact intention of the division concerned and the full scope of the proposed legislation. बात यहाँ पे ये है कि जो एक्ट के लिए वो जो लॉ बनना होता है उसके लिए जो ड्राफ्टिंग होती है वो लॉ एंड जस्टिस डिवीजन कर रहा होता है. तो लॉ एंड जस्टिस डिवीजन को प्रॉपर इन्फॉर्मेशन और उसके पीछे जो रीजंस हैं वो प्रोवाइड करना ज़रूरी होते हैं ताकि वो उसकी इंटेंट को ग्रास्प कर सकें कि जी एक्चुअली ये लॉ कहना क्या चाह रहा है. अपार्ट फ्रॉम गिविंग शेप टू द ड्राफ्ट लेजिस्लेशन द लॉ एंड जस्टिस डिवीजन शैल एडवाइज द डिवीजन कंसर्न एज टू द कम्पिटेंस ऑफ मजलिस शूरा पार्लियामेंट टू मेक अ लॉ ऑन द सब्जेक्ट टू विच द प्रपोज लेजिस्लेशन रिलेट्स एंड वेदर एनी लीगल रिक्वायरमेंट्स आर टू बी कम्प्लाइड विद बिफोर द बिल इज इंट्रोड्यूस्ड इन द असेंबली और द सेनेट. ये भी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि लॉ एंड जस्टिस डिवीजन जो है वो कंसर्न डिवीजन को बताएगा कि जी इसके ऊपर कोई लीगल रिक्वायरमेंट्स जो है वो उन्होंने पहले पूरी करनी है या नहीं करनी है, या फिर मजलिस शूरा पार्लियामेंट जो है वो इस अहल है कि उसको पास ऑन करे या ना करे. वेन एवर कंसेंट और रिकमेंडेशन ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविजन प्रीवियस सेंक्शन ऑफ द प्रेजिडेंट इज नेसेसरी फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ अ बिल इट शैल बी ड्राफ्टेड बाय द लॉ एंड जस्टिस डिवीजन अलॉन्ग विद द बिल. यानी कि फेडरल गवर्नमेंट की कोई रिकमेंडेशन चाहिए हो या सेंक्शन जो प्रेजिडेंट से हो तो वो भी लॉ एंड जस्टिस डिवीजन जो है उस बिल के साथ वो प्रिपेयर करेगा. द डिवीजन कंसर्न शैल देन सबमिट द केस टू द कैबिनेट फॉर अप्रूवल ऑफ द ड्राफ्ट बिल फॉर डिसीजन एनी फॉर डिसाइडिंग एनी इशू दैट स्टिल मे स्टिल बी आउटस्टैंडिंग. Obtain the approval of the Prime Minister on the decision of the Cabinet on the points mentioned in Clause A where the approval has not already given by the Prime Minister in the meeting of the Cabinet. यानी कि ये concerned division जो है ये फिर Prime Minister को अब की approval के लिए submit कराएगी. Obtain the signature of Prime Minister on the consent or recommendation or of the President on the previous sanction where required to the introduction of the bill in the Assembly or Senate and return the bill to the Law and Justice Division for further action in terms of Subrule 8. 5A है जी, द कैबिनेट में इन एन अप्रोप्रिएट केस वाइल अकॉर्डिंग अप्रूवल टू द प्रपोज लेजिस्लेशन अंडर सब रूल 1 डिस्पेंस विद द रिक्वायरमेंट्स ऑफ क्लॉज ए ऑफ सब रूल 5 रिगार्डिंग सबमिशन ऑफ द केस टू द कैबिनेट फॉर अप्रूवल ऑफ द ड्राफ्ट बिल. द डिवीजन कंसर्न शैल इंक्लूड इन द ब्रीफ प्रिपेयर्ड फॉर द यूज ऑफ मिनिस्टर इन चार्ज द डायरेक्शन विच द कैबिनेट हैज़ गिवन रिगार्डिंग द लाइन ऑफ एक्शन टू बी अडॉप्टेड विद रिगार्ड टू द बिल. ठीक है जी, वो उसके ऊपर बता देगा कि जी ये लाइन ऑफ एक्शन होगा. सेवन्थ है लेजिस्लेशन रिलेटिंग टू द कोडिफिकेशन ऑफ द सब्सटेंटिव लॉ और फॉर द कंसोलिडेशन ऑफ एग्जिस्टिंग इनेक्टमेंट्स और लेजिस्लेशन ऑफ अ प्योरली फॉर्मल करेक्टर यानी कि रिपीलिंग एंड अमेंडिंग बिल्स एंड शॉर्ट टाइटल बिल्स मे बी इनिशिएटेड इन द लॉ एंड जस्टिस डिवीजन.
ये मतलब सारी वही बात हो रही है कि उस लॉ के अंदर जो कोई चेंजेस हैं या उसकी अमेंडमेंट्स हैं या कुछ रिपील करना है, कोई ख़त्म करवानी है उसमें से क्लॉज, ये सारा जो है वो उसकी कोडिफिकेशन ये लॉ एंड जस्टिस डिवीजन करेगा। इट शेल हाउ एवर कंसर्न द डिवीजन कंसर्न इफ एनी विच शेल कंसिडर द ड्राफ्ट लेजिस्लेशन फ्राम द एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू एंड सेंड देयर व्यूज़ टू द लॉ एंड जस्टिस डिवीजन। यानी कंसर्न डिवीजन का अगर कोई कंसर्न है तो वो भी उसके ऊपर लिखा जाएगा। After taking action in terms of sub-rule 5, the division concerned shall forward to the law and justice division the draft legislation in its final form with a statement of objects and reasons duly signed by the minister in charge. The law and justice division, after satisfying itself that all legal requirements have been complied with for the introduction of the bill in the assembly or as the case may be the senate, transfer the bill along with the statement of objects and reasons to the parliamentary affairs division for arranging its introduction in the appropriate house. जब ये सारा लॉ के ऊपर काम हो जाए, उसकी फाइनल फॉर्म आ जाए, उसको जो भी उसके साथ जो ऑब्जेक्ट्स वगैरह और रीजंस वगैरह हैं वो मिनिस्टर इन चार्ज साइन कर देगा, तो ये उसके बाद तमाम लीगल रिक्वायरमेंट्स पूरी करने के बाद इसको पार्लियामेंट्री अफेयर्स डिवीजन के पास भेज देगा, जो कि उसको तैयार करेगा कि इसको जी अप्रोप्रिएट हाउस सेनेट में या नेशनल असम्बली में इसको प्रेजेंट किया जाए। नॉन ऑफिशियल बिल्स द डिसीजन कंसर्न शैल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर असेसिंग द एडमिनिस्ट्रेटिव इम्प्लीकेशंस ऑफ द प्रपोज लेजिस्लेशन एंड फॉर कंसल्टिंग द अदर डिवीजन कंसर्न इंक्लूडिंग द फाइनेंस डिवीजन वेयर नेसेसरी। वही बात रिपीट हो रही है कि जी जो कंसर्न डिवीजन है वो पहले तो जो दूसरे डिवीजन से कंसल्ट करना है वो करेगा। देयर आफ्टर द डिसीजन कंसर्न शैल कंसल्ट द लॉ एंड जस्टिस डिवीजन हु शैल अपार्ट फ्रॉम एडवाइजिंग द डिवीजन कंसर्न ऑन द लीगल इम्प्लीकेशंस ऑफ द प्रपोज लेजिस्लेशन एंड द कॉम्पिटेंस ऑफ द मजलिस शूरा टू मेक अ लॉ ऑन द सब्जेक्ट टू विच द बिल रिलेट्स एडवाइज इट एज टू वेदर एनी लीगल रिक्वायरमेंट्स टू बी कम्प्लाइड। ये यानी कि वही बात जो ऑफिशियल बिल के केस में की गई थी कि नॉन ऑफिशियल बिल के केस में भी की जा रही है कि लॉ एंड जस्टिस डिवीजन उसके ऊपर कोई लीगल रिक्वायरमेंट्स है या कोई ऐसी चीज़ है जिसमें प्रीवियस लॉ के ऊपर कोई कंसेंट लेना था या कोई सेंक्शन लेना था प्रेजिडेंट से, तो वो पहले पूरा करेगा। सब्जेक्ट टू रूल सब रूल 3 ऑफ द रूल 5 एंड सब रूल 1 एंड 2 ऑफ दिस रूल द मिनिस्टर इन चार्ज शैल डिसाइड रिगार्डिंग द प्रोविजन ऑफ द बिल एज टू विच ऑफ द फॉलोइंग मोशंस इन द असेंबली और द केस मे बी इन द सेनेट इज टू बी सपोर्टेड। मतलब मोशन ये है कि जो जब कोई लॉ प्रपोजल प्रेजेंट किया जाता है नेशनल असेंबली में या सेनेट में तो उसको किस तरह से प्रेजेंट किया जाता है वो दैट इट बी टेकन इन टू कंसिडरेशन बाई द असेंबली और द केस मे बी सेनेट आइदर एट वंस और एट सम फ्यूचर डेट टू बी स्पेसिफाइड। ठीक है जी। दैट इट बी रेफर्ड टू अ कमेटी दैट इट बी सर्कुलेटेड फॉर पर्पज ऑफ एलिस्टिंग ओपिनियन देयर ऑन दैट इट बी अपोज। ठीक है जी। तो ये इसके ऊपर डिसाइड करेगा मिनिस्टर इन चार्ज। Subject to sub-rule 3, the division shall obtain signature of the Prime Minister on the consent or recommendation or of the President on the previous sanction where required for the introduction of the bill in the Assembly or as the case may be, Senate. Official and non-official amendments to the bills, यानी कि जो bills के अंदर, acts के अंदर amendments आती हैं वो क्या हैं। यहाँ पर मैं एक बात बताता चलूँ कि act जो before it is enacted as an act, ये bill कहलाता है। The procedure regarding official amendments shall be the same as for official bills and that for non-official amendments the same as for non-official bills. Ordinances, the provisions of Rule 27 shall apply mutatis mutandis when the proposed legislation is an ordinance. यानि कि ordinance वो होता है जो कि National Assembly Senate में नहीं जाता, direct उसको President जो है वो approve करता है और वो initially जो है वो एक specific period के लिए रहता है applicable, फिर उसको renew करना पड़ता है। तो ये जो है अपना सेम रूल्स जो हैं वो जो बिल्स वाले हैं वो ऑर्डिनेंस के ऊपर अप्लाई होंगे। तो यहाँ पे जी हम कंक्लूड करते हैं अपना आज का वीडियो सेशन। और अगर आपको ये रूल्स समझ आ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, इसके ऊपर अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगर आपने रूल्स ऑफ बिज़नेस पार्ट 1 की वीडियो नहीं देखी तो यहाँ क्लिक कीजिए। और अगर आप PMS पंजाब 2021 के बारे में जनरल इन्फॉर्मेशन देखना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक कीजिए।